मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। शमी ने 7 विकेट लिए तो पाकिस्तानी ट्रोल आर्मी शमी के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी। शमी की गेंदबाजी देख पाकिस्तान परेशान है और भारत की लगातार जीत से वह झल्लाया हुआ है। भारतीय टीम का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान ट्रोलिंग का सहारा ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि स्पोर्ट्स में सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग के पीछे पाकिस्तान की साइबर यूनिट के उकसावे पर चल रहे समूह और पाकिस्तान की कुछ प्रोफाइल्स हैं। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी ट्रोलर्स ने शमी को निशाना बनाने की कोशिश की थी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का कैच छोड़ने के बाद भी शमी को ट्रोल किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने वापसी की विलियमसन और डैरेन मिचेल की मजबूत होती 181 रनों की साझेदारी को तोड़ा। साल 2021 में भी तेज गेंदबाज शमी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार के बाद उनके धर्म को लेकर ट्रोल किया गया था। श्रीलंका के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद भी पाकिस्तानी यूजर प्रोफाइल्स ने शमी को निशाना बनाया था। रिपोर्ट की माने तो उस दौरान जब शमी विकेट का जश्न मनाते हुए जमीन पर बैठे तो पाकिस्तानी प्रशंसक सजदा को लेकर उन पर सवाल उठा रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ मैच में शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए थे। खास बात यह है कि तेज गेंदबाज शमी 4 बार 5 विकेट लेने वाले विश्व कप में पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार के नाम था। रिपोर्ट में भारतीय खुफिया सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान की हताशा कई मौकों पर नजर आ रही है। हालिया क्रिकेट मैचों के दौरान भी इसे देखा गया है। कहा जा रहा है कि इसका मकसद धर्म का जिक्र कर भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ना और सौहार्द और खेल भावना को बिगाड़ना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।